नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य ऐसे हैं जिसे हम काउ बेल्ट बोलते हैं, हिंदी भाषिक राज्य। और इन तीनों राज्यों में यदि भाजपा अपना प्रदर्शन सुधारती नहीं तो 2024 के लिए केंद्र में भाजपा का लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी काउ बेल्ट से एक मैसेज जाएगा। यदि सीटों की बात करें, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें कम हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलके करीब करीब 70-78 सीटें होती हैं। और तीनों यदि मिल जाए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 70-78 सीटें हैं, उसमें से मध्य प्रदेश में से 29 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास और बाकी भाजपा के पास थी। इन तीनों राज्यों को लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ उतरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थितियां कंट्रोल में आती हुई दिखाई नहीं देती। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन ही नहीं है। मध्य प्रदेश जो बड़ा राज्य है, जहां 28 सीटें पिछली बार आई थी 29 में से, एक नकुलनाथ की सीट छिंदवाड़ा की छोड़ दे तो, लेकिन इस बार पिछली विधानसभा में जब कांग्रेस को सत्ता में आई, कांग्रेस को तोड़ के फिर बीजेपी सत्ता में आई, वो बीजेपी के लिए घातक हुआ। भ्रष्टाचार, लगातार एक ही मुख्यमंत्री का चेहरा इतने सालों से देखने से अब लोग उबाऊ गए हैं और लोगों ने मन बना दिया बदल दे। जब लोग मन बनाते हैं तो फिर कोई पन्ना प्रमुख, कोई पैसा, कोई पोस्टर, कोई रैलीज काम नहीं करती। हमने कर्नाटक में, हिमाचल में देख लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा तीर तरकश का नहीं छोड़ रही है जिसका उपयोग, जो अस्त्र शस्त्र मध्य प्रदेश में उपयोग नहीं किए जाए। और उन्होंने जो दूसरी लिस्ट जारी की 38 सीटों की, उसमें 7 सांसद उतारे और इन 7 में तो 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब इमेजिन करिए, मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो बीजेपी के लिए बहुत पुराना राज्य है, जनसंघ के जमाने से, संविधान सरकार के जमाने से बीजेपी का वहां वजूद था, संघ का वजूद था, वहां बीजेपी के पास लोग नहीं है, उन्हें सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। इससे पता पड़ता है कि बीजेपी की स्थिति कितनी दयनीय और बुरी हो गई है मध्य प्रदेश में। उमा भारती का लगातार केंद्र के प्रति विद्रोही तेवर दिखाना और लोध जो वोट बैंक है वो करीब करीब 60 सीटों पे मध्य प्रदेश के इंपैक्ट करता है। उमा के भतीजे को मंत्री बनाया, फिर भी महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन को लेके उमा जी जिस हिसाब से फ्रंट खोले बैठी है, उससे उमा जी को दरकिनार करने के लिए प्रहलाद पटेल, जो उमा जी के एक जमाने में शागिर्द हुआ करते थे, उन्हें ही पार्टी ने उतारा। वो केंद्र में मंत्री है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे सीट से उतारा जा रहा है उनको जहां जामल पटेल, उन्हीं के रिलेटिव, पिछली बार 15,000 वोटों से जीत गए थे। उसी सीट पे प्रहलाद पटेल को उतारना, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि उमा भारती के लिए सब्स्टिट्यूट और शिवराज सिंह के जगह नया ओबीसी नेता तैयार करना। शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में धन्यवाद देते हुए इसे आखिरी कैबिनेट करीब करीब डिक्लेयर कर दी है। तो शिवराज को ये पता पड़ गया है, शिवराज सिंह चौहान को, कि बस वो जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज के कैबिनेट में मंत्रियों को, अधिकारियों को धन्यवाद दिया। सरकार चलाने में अधिकारियों ने और मंत्रियों ने उनको मदद की। ये फेयरवेल स्पीच आज देखिए, उन्होंने कैबिनेट समाप्त की। अगले महीने के पहले सप्ताह में, मतलब अब 8-10 दिन में, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें घोषित करेगा, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव में उतारना 10 साल बाद चुनावी राजनीति में, उनके बेटे का
जब टिकट कटना तय हो गया था, उन्होंने स्वयं ही आज जेपी नड्डा को पत्र लिख के, जो विधायक है आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव टिकट कटने से अच्छा है कि खुद ही कहो कि हमें टिकट नहीं चाहिए। बाकी जिस हिसाब से एक सीट आखिरी, मतलब पहली और दूसरी सूची आने के बाद तीसरी सूची आज आई जिसमें मात्र एक सीट थी, और वो सीट थी महाकौशल, जबलपुर और उस क्षेत्र की, छिंदवाड़ा जिले की आदिवासी आंचल की अमरवाड़ा सीट। देखिए, जब सत्ता में जिताऊ उम्मीदवार आदमी ढूंढता है तो राजनीतिक दल किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण ये अमरवाड़ा सीट पे घोषित उम्मीदवार है। उम्मीदवार का नाम मोनिका बट्टी है। मोनिका बट्टी स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी की बेटी है। स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी के विधायक भी थे और गोंडवाना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष में से थे। उनके मृत्यु के बाद उनके जगह उनकी बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, लेकिन कुछ दिनों पूर्व उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनके स्थान पर एक नए अध्यक्ष ने जगह अपनी, मतलब नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वो अब पार्टी के अध्यक्ष है। ये जो लाल सरमन जो नए अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया आज कि मोनिका बट्टी बीजेपी जाने के बाद स्वर्गीय मोहनलाल शाह बट्टी अपने पिता का फोटो भी यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो गोंडवाना पार्टी की प्रॉपर्टी है, तलवारें खींच चुकी है। और मैं क्यों मोनिका बट्टी का उदाहरण दे रहा हूं, मोनिका बट्टी और गोंडवाना पार्टी, यह पार्टी सनातन और हिंदू धर्म विरोधी आदिवासियों की पार्टी है। मनमोहन शाह बट्टी और मोनिका बट्टी लगातार सनातन धर्म और हिंदू धर्म को कोस रहे थे। मामला यहां तक आ गया कि रामायण की प्रतियां जलाई गई, मनमोहन सिंह शाह बट्टी पे, यानी मोनिका बट्टी के पिता पे एक एफआईआर भी दर्ज थी, जली हुई रामायण भी पकड़ी गई थी। मोनिका बट्टी ने कई बार कहा, राम एक व्यक्तित्व है, हम इन्हें भगवान नहीं मानते, वो रावण की पूजा करते हैं, और रावण का जो उनका पितृ गांव है उस गांव में रावण का मंदिर भी उन्होंने बनाया मोनिका बट्टी के पिताजी ने, और वहां लगातार पूजा भी होती है। रावण मत जलाओ और आदिवासी हिंदू नहीं, एक किताबें लिखकर छाप कर पब्लिश कर उन्हें आदिवासियों में बंटवाते थे। हाल ही में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री का जब वहां पे कथा वाचन हुआ तो उसका भी बड़े लेवल पे मोनिका बट्टी और इनके तमाम कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। ये उन्हें पाखंडी कहते थे, ये कतई उनके धर्म में उनके विचारों में मानने वाले लोग नहीं थे। जो परिवार राम को नहीं मानता हो, जो परिवार सनातन धर्म को नहीं मानता हो, मानना न मानना बात अलग है, लेकिन रामायण की कॉपी जलाता हो, आदिवासियों को हिंदू मानने को तैयार नहीं, वो बोलते हैं कि हिंदुओं के कोई भी भगवान हमारे नहीं है, हमारा बड़ा देव है वो हमारे आराध्य है, जो रावण को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे मोनिका बट्टी को भी आपको टिकट देना पड़ रहा है क्योंकि आपको वहां अमरवाड़ा में सीट जीतनी है। यदि जिताऊ उम्मीदवार है तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, देवी देवताओं को भी गाली देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को चल जाते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और अंधभक्तों को तकलीफ तब होती है जब डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जो तमिलनाडु की पार्टी है जिसका जन्म ही सनातन धर्म का विरोध करने के लिए हुआ है, या विरोध करने के मूवमेंट से हुआ है, यदि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री के पुत्र, स्टालिन के बेटे,
सनातन धर्म को कुछ कहते हैं तो वो सीधा इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाते हुए कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी से लेके आम आदमी पार्टी से लेके आरजेडी तक और ममता तक सबको सवाल पूछते हैं, शिवसेना तक को सवाल पूछते हैं कि आपके गठबंधन में यह आपके साथ कैसा बैठता है जो सनातन धर्म को गाली देता है। अब सवाल उठता है जो सनातन धर्म को गाली देती है, रामायण जलाती है, रावण की पूजा करती है, हिंदू देवी देवताओं को मानती नहीं, ऐसी मोनिका बट्टी अब भाजपा के कमल ब्रांड पर या भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अमरवाड़ा से कैसे घोषित हो सकती है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि गोंडवाना के जो आदिवासियों के बीच में जिसकी उसकी भेंट पेट है वो वहां से अमरवाड़ा से टिकट दिलवा सकते हैं। तो ये आपने दिन भर आज 7 सांसद 4 मंत्री 3 मंत्री कैसे चुनाव लड़े, विजयवर्गीय को टिकट कैसा मिला, ये बहुत सारा सुना होगा। लेकिन आज जो ये सीट एक सीट घोषित हुई उसने एक बात तो तय कर ली, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष को जहां घेरना है तो वो हिंदुत्व, सनातन धर्म, राम सब उनको याद आते हैं, और जब हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग यदि उन्हें जिताऊ उम्मीदवार दिखते हैं तो अपने गोद में बिठा के उन्हें चुनाव लड़वाने में उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती। ये है आज के वर्तमान राजनीति का चेहरा। तो लड़ते नीचे लोग हैं, धर्म के नाम पे तलवारें खींचते हैं, नेता तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जो जख्म और जो खाई समाज में होती है उसको पाटना मुश्किल होता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा YouTube चैनल उल्टा चश्मा। Ha 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 ha.